जय श्री राम। श्री अयोध्या धाम में संकल्पित एक ऐसा स्थान जहां सेवा और संस्कार एक साथ हों, एक ऐसा वानप्रस्थ आश्रम जिसमें 100 कमरे एवं गुरुकुल विद्यालय, जहां वृद्ध और बालक एक साथ निवास करें, निकट बाईपास अयोध्या धाम इस महत्वपूर्ण कार्य में अधिक से अधिक सहयोग करें। जब श्री भरत जी महाराज प्रयाग में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत जी, हम प्रयाग के निवासी हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैंने जो जीवन में जप तप नियम आसन अनुष्ठान प्राणायाम जो भी किया, उसका फल मिला श्री राम का दर्शन, श्री राम का दर्शन प्राप्त हो गया। और आज हमें राम के दर्शन का भी फल मिल गया। तो कहा, राम के दर्शन का फल क्या था? तो कहा, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग हमारा। हमारे भाग्य का परिणाम है भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का परिणाम है किसी संत का दर्शन। और संत तो संत होता है माई बाप। कल संत महाराज श्री चेतन दास जी महाराज पधारे थे, 1008 महामंडलेश्वर श्री चेतन दास जी महाराज। क्या सरलता होती है संत में, आप देखिए। उनको देखने के बाद लगता है किसी महापुरुष के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। क्या उदारता है। संत संसार को शिक्षा देते हैं कि भगवान का भजन करो, गौ सेवा करो। और भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे दर्शन का फल संत का दर्शन है। भगवान मिल जाए तो भगवान के मिलने का फल क्या मिलेगा? कहा, भगवान के मिलने के बाद भी जो फल है वह किसी महापुरुष का सानिध्य है। हमारे यहां भगवान के सामने संपत्ति नहीं मांगी गई है, क्योंकि संपत्ति तो तुम्हारे प्रारब्ध का परिणाम है। 5 चीजें जन्म लेने से पहले ही लिख दी जाती है, तुम्हारी उम्र कितनी होगी, तुम्हारे पास में पैसा कितना होगा, तुम कर्म क्या करोगे, मृत्यु कब होगी, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। ये 5 चीजें जन्म लेने से पहले ही लिख दी जाती है। भगवान के सामने धन नहीं मांगा जाता। आजकल लोग 1 रुपए की अगरबत्ती भी दिखाते हैं ना, तो उस 1 अगरबत्ती के लिए भी भगवान से लाखों मांग लेते हैं। अगरबत्ती 1 पैसे की और मांग रहे हैं लाखों। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी, हमारे घर में सुख आवे, संपत्ति आवे, पैसा आवे। एक महिला को मैंने देखा, उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन एक बात उसको सदैव याद रहती थी। वो जब भी भगवान के मंदिर में जाए तो एक ही बात मांगे, हे ठाकुर जी, मेरे घर पैसा आए, मेरे घर पैसा आए, मेरे घर संपत्ति आए। मैंने कहा, देखो तू सब कुछ भूल गए और ये याद रह गया। भगवान के सामने संपत्ति नहीं मांगो, भगवान से मांगना है तो ये मांगिए, ठाकुर जी हमें किसी महापुरुष का संग मिल जाए।
दासानुदासो भविताश्म भूयः अहम् हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविताश्म भूयः। हम भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान की प्राप्ति की कामना मत करो, क्योंकि भगवान तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बनी तो भगवान का प्राप्त होना भी कोई कल्याण नहीं करेगा। भगवान तो कई लोगों को मिल गए, सुपर्णखा को भगवान मिल गए, खरदूषण राक्षस को भगवान मिल गए, लंका में रहने वाले तमोगुणी जो मांसाहार करने वाले उन राक्षसों को भगवान मिल गए, कलिकाल में भी भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना भगवान के प्रति श्रद्धा का मिलना कठिन है। आज भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन बिना भगवत श्रद्धा उत्पन्न हुए भगवान के दर्शन से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और विचार करो, सुबह सुबह आप अपना दरवाजा खोलें घर का और भगवान सीताराम जी दरवाजे पर खड़े हों, तो क्या आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान आए हैं? विचार करिए, उसके बाद भी हमें बताइए। भगवान दरवाजे पर खड़े हो जाए, क्या तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान है? लगेगा कोई बहुरूपी आया है। बहुत से लोग घूमते रहते हैं सीताराम का वेश बना करके, बहुत से लोग घूमते हैं शंकर जी का डमरू लिए हुए हाथ में, त्रिशूल में डमरू बजाते हुए, लेकिन उनको देख करके श्रद्धा तो नहीं जागृत होती है शंकर भगवान है। कई लोग हनुमान जी की पूंछ लगा के घूमते रहते हैं, लेकिन वहां श्रद्धा तो नहीं होती है कि भगवान हनुमान जी महाराज है। हो सकता है वह वास्तव में हनुमान जी हो सकता है वह साक्षात सीताराम हो सकता है साक्षात भगवान भोलेनाथ हो। तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए तुम्हारे सामने आ गए हो, लेकिन तुम्हारी जब श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान के सामने आने से क्या होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को प्राप्त करें। और वह श्रद्धा आती है भगवत कथा में, वह श्रद्धा आती है भगवत भजन से, वह श्रद्धा आती है सत्संग से। और गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आइए हम सब सुने और साथ में गाएं। देखो मैंने कल भी निवेदन किया है, मानुष को गाने से आनंद मिलेगा, सब साथ में गाइए। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। ये फतेहनगर के लोग गाना तो जानते हैं ना, मुझे पता है राजस्थान में गाया बहुत अच्छा जाता है, यहाँ के लोग गाना बड़ा अच्छा जानते हैं। अरे मीरा भाई ने तो गा करके भगवान को पा लिया, इसलिए गाइए क्योंकि राम कथा गाने का विषय है। आप सबकी आवाज हमारे तक आनी चाहिए। विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक न हो, विवेक न हो।
कुछ मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार मिल जाए, रूप यौवन प्राप्त हो जाए, लेकिन विवेक न मिले तो सब कुछ अधूरा है। भगवान से ये प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमारे दिमाग में विवेक बना रहना चाहिए। विवेक कहते किसको है, विवेक क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम विवेक है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भोजन तो करके आए हैं ना सब लोग, नहीं जो करके आए उनके लिए व्यवस्था है यहाँ, शाम को भंडारा चलेगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी का नाम विवेक है। और ये शास्त्र सिखाते हैं कि विवेक अपने जीवन में लाओ। रामायण में दशरथ की भी कथा है और दशानंद की भी कथा है। दशानंद रावण लंका का जो राजा है। रामायण में मंथरा भी है और कौशल्या भी है। मंथरा का भी चरित्र है और कौशल्या का भी चरित्र है। रामायण में सुग्रीव का भी चरित्र है और भरत जी का भी चरित्र है। रामायण में देवताओं का भी चरित्र है और दैत्यों का भी चरित्र है। अब विचार हमको ये करना है कि हमारा चरित्र कैसा है। मैंने कहा या जो शास्त्र है या दर्पण है, शीशा जानते हैं ना, जैसे शीशा हमारे स्वरूप को हमको बताता है, वैसे ही शास्त्र भी हमारे स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तुम कैसे हो ये देखो, तुम कौशल्या हो कि तुम मंथरा हो, ये तुमको अपने आप निर्णय करना होगा। तुम्हारा जीवन दशानन के जैसा है या दशरथ के जैसा है। दशानन की दसों इंद्रियां भोग में लिप्त हैं और महाराज दशरथ की दसों इंद्रियां भगवान की ओर हैं, और जिसकी दसों इंद्रियां श्री राम की ओर है वही है दशरथ, और जिसकी दसों इंद्रियां विषय भोगों में रत हो उसी का नाम है दशानन। जिसको भोग विषय के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया पहनने को मिल जाए, बढ़िया देखने को मिल जाए, बढ़िया स्पर्श करने को मिल जाए, बढ़िया सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, और सोने की लालसा, सोना भी दो प्रकार का होता है ना, सोना दो तरीके का होता है, एक तो वो जिससे आभूषण बनते हैं और एक वो जो बिस्तर पर लेट करके सो जाते हैं, उसको भी सोना ही कहा जाता है। लंका का जो राजा रावण है उसके पास दोनों सोने हैं, एक तो सोने की लंका, पूरा जो महल है पूरी लंका वह स्वर्णमयी है, और दूसरी सोने की भी व्यवस्था है। यहां कुंभकर्ण एक भाई जो सोता ही रहता है। लंका में दोनों सोना है, और आजकल तो दुनिया सोने के पीछे ही भाग रही है। कोई गृहस्थ सोने की याचना करे कामना करे तो समझ में आता है, गृहस्थों के साथ साथ विरक्त महात्मा भी सोने के पीछे भाग रहे हैं। एक महात्मा का ही नाम है, आप शायद जानते होंगे सब लोग, जो 21 किलो सोना अपने शरीर पर पहनते हैं। कितना? 21 किलो। उनका नाम ही गोल्डन बाबा। भैया जो सोने के पीछे भाग रहा है वहां रावण नहीं तो राम तो नहीं हो सकता। जो विषय के पीछे भाग रहा है वह दशरथ तो नहीं हो सकता, वह सिर्फ दशानन हो सकता है। हमारा मन विषय में लगा हुआ है तो हम दशानन हैं, और हमारा मन श्री राम के भजन में लगा है तो हम दशरथ हैं। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, मैं क्या हूं। तुम्हारे स्वरूप का दर्शन कराती है श्री राम कथा, तुम्हारे बारे में बताती है श्री राम कथा। कैसा जीवन जियो जो तुमको आनंद देगा,
कैसा जीवन अपनाओ जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ण के समान चमका देगा। अच्छा कर्म करोगे तो उसका सुख मिलेगा, गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारे सिवा और उस कोई परिणामों को कोई भोगने नहीं आएगा। परिवार तुम्हारी संपत्ति बांटेगा, तुम्हारे कर्म को बांटने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पैसा ये परिवार लेने के लिए तैयार बैठा है, बस लोग रास्ता देख रहे हैं तुम कब जाओ। बोलो जय सिया राम। एक व्यक्ति बड़ी अच्छी बात कहते थे, हम लोगों की मरने की पूरी तैयारियां है, लकड़ियां भी तैयार है, शमशान घाट भी तैयार है ना, कपड़ा भी रखा हुआ है दुकान पर रखा है, बस कपड़ा भी तैयार है, लकड़ियां भी तैयार है, स्थान भी तैयार है जहां जलाया जाना है, और वो लोग भी तैयार हैं जो कंधे पर उठा के ले जाने वाले हैं, वो लोग भी तैयार हैं जो तुम्हारे चिता में आग लगाने वाले हैं, और वो लोग भी तैयार हैं जो जलती हुई चिता में तुम्हारे लाठी लगाने वाले हैं, सर फोड़ने वाले हैं। बस थोड़ी सी कमी है, मरना जब हमारे मरने की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, बाकी सारी तैयारियां पूरी है। संसार सिर्फ स्वार्थ का है, यहां और किसी का कोई नहीं रहता। संबंध परमात्मा से जोड़ो, ठाकुर जी से जोड़ो, जो सिर्फ हमारे हैं, और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा हूं। भक्त भी भगवान से कहता है तेरे संग में रहेंगे, भक्त भगवान से कहता है मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, और प्रभु आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है। आप सभी सुने और साथ में गाइए। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। देखो संसार सुनते सिर्फ व्यवहार का निर्वाह चाहता है, संसार के साथ व्यवहार का निर्वाह करो, बाकी अपना मन भगवान में लगाओ, क्योंकि संसार तुम्हारे मन को नहीं चाहता है, संसार को तुम्हारी प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भगवान ही हमारे मन को चाहते हैं तो हम मन से भाव से कहें, आप सब बोलिए मस्ती के साथ, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हाथ उठा के पीछे वाले भी हरि बोल। पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, 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 तुम पुष्प बनो हम धागा बने। माला में मिलेंगे
पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, गाने में संकोच के साथ मस्ती के साथ गाओ। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने। मस्तक पर मिलेंगे हो, मस्तक पर मिलेंगे ओ हमारे सुनवे ओ हमारे सुनवे ओ भगवान से भक्त कहता है मैं आपके साथ में रहूंगा, आप वक्ता बने। आप कहेंगे भगवान कभी वक्ता बने हैं क्या? हाँ भगवान वक्ता बने हैं। भगवान कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था वहां भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और भगवान वक्ता बने, अर्जुन श्रोता बने और गीता नाम का शास्त्र भगवान ने गाया। तो भक्त कहता है आप वक्ता बने और हम श्रोता बने तो मिलेंगे कहाँ? तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। हरी कथा में हरी कथा में मिलेंगे ओ भोला, हरी कथा में मिलेंगे ओ भोला, संग में रहेंगे ओ भोला, तेरे संग में रहेंगे ओ भोला, तेरे संग में रहेंगे ओ भोला, तेरे संग में रहेंगे ओ भोला। तेरे संग में रहेंगे ओ भोला, जो भगवान से कभी अलग न हो उसी का नाम है भक्त। दिन में एक बार पूजा करके फुर्सत पा जाए वह भक्ति नहीं वह भार है।
कई लोग ऐसे पूजा करते हैं जैसे भगवान का भार उतार रहे हो, जल्दी जल्दी से आरती उतार के फेंक दिया। कई लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा है हमने, नहाते जाते हनुमान चालीसा पढ़ते जाते और लगता है जैसे हनुमान जी को उलाहना दे रहे हो, देखो मैं भी तुम्हारा हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, जय हनुमान ज्ञान सागर जय के विष्णु लोग उजागर, लगता हनुमान जी को उलाहना दे रहे हैं, देखो देखो मैं तुम्हारा पाठ कर रहा हूं। इसका नाम पूजा नहीं है, ये है भय। अंदर डर बैठा हुआ है कि पूजा नहीं करेंगे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कई लोग जो रात में कहीं अंधेरे से निकलना होता है ना, तो वहां सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा याद आती है। नौका में बैठेंगे, नौका हिलेगी तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं नौका डूब न जाए, कहीं मर न जाए। इसका नाम पूजा नहीं है, इसका नाम है भय। आज समाज में धर्मशीलता दिखाई नहीं पड़ती, आज समाज धर्म भीरू होता जा रहा है, या तो प्रदर्शन के लिए या तो डर के लिए, लेकिन धर्म भगवान के लिए कोई करना नहीं चाहता। जय श्री राम। श्री अयोध्या धाम में संकल्पित एक ऐसा स्थान जहां सेवा और संस्कार एक साथ हों, एक ऐसा वानप्रस्थ आश्रम जिसमें 100 कमरे एवं गुरुकुल विद्यालय, जहां वृद्ध और बालक एक साथ निवास करें, निकट बाईपास अयोध्या धाम। इस महत्वपूर्ण कार्य में अधिक से अधिक सहयोग करें।